राजस्थान के डिप्टी सीएम रहे सचिन पायलट के लिए मुश्किलें खत्म नहीं हो रही हैं। अब राजस्थान स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी की तरफ से सदन की सदस्यता खत्म किए जाने को लेकर सचिन पायलट और उनका साथ देने वाले जिन 18 विधायकों को नोटिस थमाया गया है उसमें बहुत से दांव पेच हैं, क्योंकि संविधान के मुताबिक स्पीकर को पर्याप्त शक्तियां मिली हुई हैं और इनके तहत पायलट बहस तो कर सकते हैं लेकिन अंतिम फैसला स्पीकर को ही लेना होगा। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट एमएल लाहौटी का कहना है कि इस्तीफा देने का मामला हो या अयोग्य ठहराए जाने का, दोनों में फर्क है। अगर स्पीकर किसी सदस्य को अयोग्य ठहरा देते हैं तो वो उसके बाद मंत्री नहीं बन सकता, सदन में फ्लोर टेस्ट में भाग नहीं ले सकता। संविधान कहता है कि दल बदल विरोधी कानून के तहत ही सचिन पायलट समेत 19 विधायकों पर कार्रवाई की गई है, क्योंकि इस कानून का इस्तेमाल तब होता है जब निर्वाचित सदस्यों की तरफ से पार्टी छोड़ने या पार्टी व्हिप का उल्लंघन किया जाता है। इसके तहत आरोपी की भी सदस्यता रद्द की जा सकती है। हालांकि इस नोटिस से बचने के लिए सचिन पायलट और उनके साथ विधायकों की तरफ से दलील दी जा सकती है कि वो सरकार के खिलाफ किसी अन्य पार्टी में शामिल नहीं हो रहे हैं, कांग्रेस के खिलाफ किसी गतिविधि में शामिल नहीं हुए हैं और वो पार्टी में अपनी निष्ठा साबित कर सकते हैं। ऐसे में नोटिस पर कानूनी कार्रवाई को रोका जा सकता है। जानकारों का कहना है कि किसी भी पार्टी के 2/3 सदस्य चाहे तो अलग हो सकते हैं, तब वो अयोग्य नहीं कहलाएंगे और फिर स्पीकर तो किसी भी सदस्य को अयोग्य करार दे ही सकते हैं। वहीं इस पर भी संशय, क्योंकि 21 जून 2020 को ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अयोग्यता तय करने के बारे में स्पीकर के अधिकार के बारे में संसद में दोबारा विचार करना चाहिए, क्योंकि स्पीकर भी एक राजनीतिक दल के होते हैं। ऐसे में उनके द्वारा अयोग्यता पर फैसला लेने पर संसद को विचार करना चाहिए। तो अब सचिन पायलट का क्या होगा, अभी इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ना तो अभी तक सचिन पायलट की पार्टी की तरफ से अपनी निष्ठा कम हुई है और ना ही उन्होंने किसी और दल को अपने लिए चुना है। उनका साफ कहना है कि उन्हें सीएम की गतिविधियों से दिक्कत है और वो इस मुद्दे पर अपने लिए न्याय की मांग करते हैं। We'll be right back.